हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 11th October 2021। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेक्टर का एंड टाटा ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी टाटा पावर, जिसके ऊपर मेरा लगातार कुछ टाइम से इसके ऊपर कमेंट्री जारी रहा। आज की डेट पे बात करें, शेयर में डायरेक्टली 8 से 10% के ऊपर हमें तेज़ी, फिर से एक नया 52 एक साइड टच किया। बेसिकली टाटा पावर का जो MD एंड CEO है, उनके तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, और उसके साथ साथ टोटल कुल मिला के 3 बड़े बड़े न्यूज़ है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके न्यूज़, साथ में आपका क्या स्ट्रेटजी होगा आज की डेट के ऊपर बेस करके टाटा पावर के अंदर। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज है 11th October 2021। बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर का एंड टाटा ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी टाटा पावर के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा कंटिन्यूअस आपको खरीदारी करने का राय जारी था। आज भी मेरा राय सेम है। आज की डेट पे अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर ही नहीं, पूरा का पूरा पावर सेक्टर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या डिमांड देखने को मिला, चाहे वो पावर ग्रिड हो, NTPC हो, टाटा पावर हो या IEX, सारे के सारे शेयर आज की डेट में हमें काफ़ी अच्छा खासा भागा है। तो देखिए, टाटा पावर का शेयर आज की डेट में लगभग 8.5% की तेज़ी एंड उसके साथ साथ एक फ्रेश 52 हाई या ऑल टाइम हाई भी टच के लगभग 193.70 रुपये पे। तो चलिए, जो न्यूज़ है सबसे पहले हम कवर करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, उसके बाद हम टाटा पावर के ऊपर आज की डेट पे जो सिचुएशन है शेयर का, उसके ऊपर बेस करके हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे क्या आपका रणनीति हो सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, ये आज का न्यूज़ है, 11th October 2021 मॉर्निंग का न्यूज़ है, 9 बजे के आसपास ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था। बेसिकली टाटा पावर का जो प्रेजेंट टाइम MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। टाटा पावर इज आइंग डबल डिजिट ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। अगले 2-3 साल के अंदर टाटा पावर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE है, वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में आ जाएगा, यानी मोर देन 10% के ऊपर आ जाएगा। आज के डेट पे अगर बात करें कितना है, तो आज सिंगल डिजिट पे है, मतलब वही 7-8% के आसपास है टाटा पावर का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE। तो इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे मेंशन किया है, बेसिकली एक पेड न्यूज़ है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज़ नहीं है, तो ऊपर का जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टाटा पावर कंपनी स्टॉक हैज़ गेन्ड मोर देन 30% इन द पास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 महीने में हम सभी को मालूम है, आज की डेट पे तो और ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिला, रीचिंग अ न्यू हाई ऑफ 185। मतलब जब ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था, वो तो मार्केट ओपन होने के पहले, उसके पहले ये हाई था, बट द कंपनी हैज़ स्ट्रगल्ड फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड। मतलब लास्ट 10 साल में ये मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, जिसके कारण हमने देखा था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी था इसके पहले, ठीक है। द टाइड बिगन टू टर्न ऑफ द बेटर ओनली इन लास्ट फ्यू ईयर्स विथ एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट रैशनलाइजेशन एंड ऑन न्यू एंड इमर्जिंग बिजनेस मनी कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पे जो टाटा पावर का MD एंड CEO है, उन्होंने यहाँ पे जो पावर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको लेके बहुत कुछ यहाँ पे बताया है, और बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे चीज़ को बताया कि हाँ, आगे आने वाले कुछ टाइम पे हमें टाटा पावर एंड पूरा का पूरा पावर सेक्टर के ऊपर दोस्तों हम स्पेशली बात करें, क्योंकि पावर का इतना ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली कोल का जो यानी कोयला का जो बहुत ज़्यादा हमें घाटती देख रहा है, तो जिसके कारण हमें ऐसा पावर सेक्टर को स्पेशली तेज़ी देखने को मिला। दूसरा जो न्यूज़ है, देखिए, टाटा पावर सर्च 9% ऑन हेवी वॉल्यूम, स्टॉक्स जूम्स 40% इन 2 वीक्स। लास्ट 2 हफ्ते के अंदर, 14 डेज के अंदर ही 40% भाग चुका है। तो देखिए, यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने क्या बोल रहे हैं, क्या क्या ऊपर पॉइंट हाईलाइट किया, ध्यान से सुना दोस्तों। लास्ट वीक TVS मोटर कंपनी, इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी न्यूज़ पोस्ट कर चुका हूँ, लास्ट वीक पे जब ये न्यूज़ बाहर आया था, याद होगा आपको, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट 2-व्हीलर्स मेकर एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टाटा पावर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो चार्जिंग स्टेशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अक्रॉस द कंट्री, इसको लेकर TVS मोटर्स जो कि ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लिस्ट है, एंड उसके साथ साथ टाटा पावर, ये दोनों कंपनी बीच पार्टनरशिप हुआ है। द टू कंपनीज विल ऑल्सो एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू यूज सोलर एनर्जी टू पावर सिलेक्ट TVS मोटर लोकेशन इन देयर जर्नी टर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पावर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सोलर पावर एनर्जी,
एंड उसके साथ साथ ये दोनों कंपनी के यहाँ पे टाई अप हुए, तो जिस कारण यहाँ पे और भी कुछ बताया जा रहा है, जैसे ही कंपनी का भी मतलब टाटा पावर का भी 28 अक्टूबर को देखिए, टाटा पावर बोर्ड इज शेड्यूल्ड टू मीट 28 अक्टूबर 2021, इसी महीने का एकदम लास्ट वीक पे 28 अक्टूबर को कंपनी का रिजल्ट आउट होने जा रहा है। तो दोस्तों आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि 28 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जब भी रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि वीडियो देख लेते हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसके कारण उन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो इसके कारण मैं आपको बोल रहा हूं सर और मैडम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, पूरा का पूरा फ्री है, सब्सक्रिप्शन में कुछ भी पैसा वैसा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे और एक एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पे बयान आया है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट किया है, जैसे कि देखिए पावर स्टॉक्स इन लाइमलाइट एज डिमांड आउटलुक सीन इंप्रूविंग, टाटा पावर हिट्स ऑल टाइम हाई, आज ही के न्यूज़ है ये, सारे के सारे न्यूज़ आज ही के दिन पे है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पावर स्टॉक्स आर इन फोकस ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, पावर डिमांड पिक्ड अप पेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सेकेंड हाफ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिला, जिसके कारण हमें सारे के सारे पावर सेक्टर के ऊपर में इतना भारी भरकम तेज़ी, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो टाटा पावर ही हो, हर एक यहाँ पे पावर सेक्टर का। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है आर्टिकल्स लिखा है, बेसिकली उन्होंने बोल रहा है कि देखिए अभी जो सारे कंपनीज का क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आने जा रहा है, तो इस क्वार्टर में दोस्तों सारे के सारे पावर सेक्टर का काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि एक तो पावर का जो यूनिट है पर यूनिट वो भी बढ़ गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ा दिया गया है, तो जिसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। स्पेशली टाटा पावर की अगर हम बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे जो रिजल्ट आया था याद होगा आपको, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिला था कंपनी का परफॉर्मेंस, तो इस फाइनेंशियल ईयर पे भी रिजल्ट पे भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है सारे के सारे पावर सेक्टर की स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट का जो बुलिश है एक्सपर्ट्स है उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश बिहेव कर रहा है, स्पेशली ये कुछ पावर सेक्टर की स्टॉक के ऊपर। तो चलिए ये तो हो गया न्यूज़ का सिलसिला, अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर क्या आपका स्ट्रेटजी होगा आज की प्रेजेंट टाइम के ऊपर बेस करके, ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना दोस्तों, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले कुछ टाइम पहले जब शेयर यहाँ पे तेज़ी आया था तो सेम टू सेम हाई लो ओवरबॉट जोन पे चला गया था, बीच में हल्का सा नीचे आया था तो ओवरबॉट जोन पे स्टिल था बट हाई लो ओवर जोन पे नहीं था। आज की डेट में फिर से तेज़ी के बाद 83 के आसपास इसका RSI इंडेक्स चला आया है। जब सैटरडे के दिन मैं वीडियो पोस्ट किया था याद होगा आपको, देखा होगा आपने सैटरडे के दिन मैं एकदम पहला वीडियो पोस्ट किया था शेयर यहाँ पे जब हाई टच करने के बाद, जब यहाँ पे लास्ट दो तीन दिन से कंसोलिडेट कर रहा था तब मैं आपको बताया था कि अभी ज़्यादा नीचे गिरने का उम्मीद मत रखना, क्योंकि अभी पावर सेक्टर के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, स्पेशली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, और ये चीज़ मैं आपको बहुत महीने पहले ऐलान कर दिया था, जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि उन्होंने शेयर को उसी टाइम खरीद लिया, तो आज के डेट में अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा है। तो इसका पहला सपोर्ट लेवल था 175 जिसके ऊपर हमें लास्ट दो तीन में सपोर्ट मिला, एंड जो लोग उस टाइम पे शेयर को पिक किया अच्छी बात है, अगर नहीं पिक किया तो आज के डेट पे अगर बेस करके यहाँ पे दो कंडीशन ध्यान से सुनना, दो कंडीशन आपके पास। सबसे पहला कंडीशन, आज की डेट पे शेयर हाई टच किया लगभग 193 रुपये, सबसे पहला कंडीशन अगर शेयर 200 रुपये का लेवल ब्रेक करके ऊपर चला जाता है आगे दो तीन दिन के अंदर, तो उस केस में आप 200 रुपये के ऊपर जाने के बाद ही पोजीशन बनाना, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अगर शेयर ऊपर नहीं जाके नीचे करेक्शन होता है तो उस केस में आप 185 के ऊपर पोजीशन बनाना, यानी 186 या 187 के आसपास शेयर मिल जाए तो धीरे धीरे उठा लेना, क्योंकि इसके पहले का अगर हम हाई की बात करें तो देखिए टाटा पावर के अंदर जब तेज़ी आया था ये हाई टच किया था लगभग 185 रुपये का लेवल, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जो कि आज ब्रेक करने के बाद ये एक सपोर्ट पॉइंट के रूप में काम करेगा टाटा पावर की शेयर के लिए। तो ये आपका एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी होगा टाटा पावर के अंदर खरीदारी करने के लिए। तो आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे सेल करने की कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, आग बंद करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, देखना यही शेयर आपको आज 200 या 190 रुपये के आसपास मिले, कुछ साल बाद देखना यही आपको 4 डिजिट यानी 1000 रुपये के ऊपर मिल जाएगा। तो देखिए आज के रेट पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे अच्छा डिलीवरी भी देखने को मिला, 2 बजे का अपडेट है, टोटल 10 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ है जहाँ पे हमें डिलीवरी देखने को मिला 24% के आसपास शेयर। तो दोस्तों अब डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि पैसा आपके तो फाइनल डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।